शलभासन, दोनों हाथ अंदर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास को रोक के रखें और श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास बाहर छोड़ेंगे। श्वास की आवाज़ तेज, ऐसे दूसरे पैर, श्वास लेके ऊपर, हाथ को निकाल लीजिए मत्स्य कीड़ासन, एक तरफ करवट होके लेटने वाला, ऊपर वाले पैर को मोड़ के लाइए, नीचे वाला पैर सीधा रखें, हाथों को तकिया के जैसा बना लीजिए, पैर के पंजे को उस पैर के जांग से सटाने की कोशिश करिए, इस पंजे को, हाँ बस बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे, सेम दूसरी तरफ, ऊपर वाले पैर को मोड़ लीजिए, आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास, छोड़ दीजिए। भुजंगासन, दोनों हाथ सीने के बराबर में, श्वास लेते हुए छाती ऊपर, छत को देखें, श्वास को जब तक रोक सकते हैं श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे, तीन श्वास लेते हुए ऊपर उठाइए, पांच श्वास लेते हुए ऊपर, छः सात श्वास लेते हुए ऊपर, आठ नौ श्वास लेते हुए ऊपर, दस हाथ आगे लंबा करिए, लंबी श्वास लीजिए, थोड़ी देर आराम करें, तीन लंबी गहरी श्वास, दोनों हाथ पीठ पे कोहनी से कोहनी तक पकड़ लीजिए, श्वास लेते हुए पैर और छाती दोनों ऊपर उठाएंगे, दो नीचे श्वास बाहर, तीन चार पांच छः
सात। रुके थोड़ी देर ऊपर, नौ ऊपर, दस। हाथ ढीला छोड़ दीजिए, लंबी श्वास, धीरे धीरे। श्वास लेते हुए हाथ और छाती ऊपर उठाएंगे, पैर जमीन में, हाथों को और ऊपर उठाने की कोशिश। दो नीचे, तीन ऊपर, चार, पांच ऊपर, छह, सात ऊपर, आठ, नौ ऊपर, दस। हाथ ढीला छोड़ दीजिए। हाथों को ज्यादा से ज्यादा ऊपर, लंबी श्वास लें। दोनों हाथ आगे फंसाइए। श्वास लेते हुए हाथ, छाती और पैर तीनों ऊपर। आराम करें, लंबी श्वास लीजिए। चलो नेक्स्ट, इसके बाद पैरों को बिल्कुल सीधा रखेंगे, पैर का पंजा अंदर खींच के रखिए। हाँ, तेजी से फास्ट करेंगे। सीधे लेट जाएं। दोनों घुटना एक बार दाएं, एक बार बाएं। दोनों किनारे श्वास बाहर, श्वास छोड़ते हुए किनारे, श्वास लेके बीच में, श्वास छोड़ते हुए किनारे।
श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर से श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, पैर को सीधा करिए, लंबी श्वास, थोड़ा लंबी गहरी श्वास लीजिए, पहले हाथ ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला। शवासन, शव यानी मुर्दा, आसन यानी अभ्यास, मुर्दे की तरह बिल्कुल शरीर को लंबी गहरी श्वास लेंगे, बिल्कुल शरीर ढीला छोड़ दें। नेक्स्ट, श्वास लेते हुए बीच में आइए, घुटना नहीं मोड़ेंगे, घुटने को सीधा रखने की कोशिश, आराम से रखिए पैर, आवाज़ मत करिए। लंबी गहरी श्वास, शवासन, अब उठ के बाएं तरफ करवट लेके वज्रासन में बैठिए, श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ और सिर आगे जमीन में, मार्जरी चार हाथ पर बनाइए, श्वास लेते हुए छत को देखें, कमर को गड्ढा जैसा, और श्वास छोड़ते हुए सिर अंदर, ठुड्डी सीने से और पीठ और कमर को ज़्यादा से ज़्यादा उठाएंगे, तीन श्वास लेते ऊपर, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे,
हाथों को फंसा के सिर के ऊपर सीधा, हाँ, श्वास छोड़ते हुए किनारे, श्वास लेके बीच में आइए, छोड़ते हुए फिर किनारे जाइए, श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए किनारे, श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए किनारे। नेक्स्ट गलत जो हाथ कंधे पे उस तरफ पीछे मुड़ के देखेंगे, बीच में आके हाथ फैलाइए, श्वास अंदर भरिए, फिर श्वास छोड़ते हैं दूसरी तरफ चले जाइए। हाँ कमर को ज़्यादा से ज़्यादा मोड़ेंगे, पीछे मुड़ के देखें, करी करी बैठ जाइए। कंधे को गोल घुमाने वाला करिए, धीरे थोड़ा स्लो, जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं। नहीं उसको ज़रूरत नहीं है। अब आप करेंगे अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम कम से कम ये वाला एक बार कर लीजिए, चलिए कर लीजिए, पैर आगे लंबा करके, पैर आगे लंबा कर दीजिए, इसमें दोनों पैर मिला लीजिए, हाँ, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, 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 क्लॉक एंटी क्लॉक दोनों तरफ। अब जो है अनुलोम विलोम कम से कम 10 मिनट तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो बेहतर। बाएं नासिका से श्वास धीरे धीरे अंदर लीजिए, बिल्कुल धीमी गति से, धीरे धीरे पूरे श्वास को अंदर भरिए और बाएं नाक बंद करके दाहिना से श्वास को छोड़ दीजिए धीरे धीरे, फिर दाहिना से लीजिए और बाएं से छोड़िए।